सेवन टिप्स फॉर स्ट्रेस फ्री एग्जाम पीरियड, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। कभी सारे बच्चे आते हैं बोलते हैं कि एग्जाम के समय स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है और फिर उनमें एंग्जाइटी के लक्षण दिखाई देते हैं, बहुत एंग्जाइटी हो जाती है, किसको डिप्रेशन आ जाता है, कोई ज़्यादा खाना चालू करते किसका खाना ही बंद हो जाता है, किसको नींद नहीं आती, तो कभी सारा स्ट्रेस लेने के बाद में ऐसा होता है। तो स्ट्रेस फ्री रह के कैसे एग्ज़ाम हम दे सकते हैं या एग्ज़ाम रेड में रह सकते हैं, उसके बारे में आज बातचीत करेंगे। स्ट्रेस या टेंशन या तनाव पढ़ाई के समय आ सकता है। जब जब पढ़ाई के समय टेंशन तनाव आता है, विचार कौन से आते हैं कि मेरी एग्ज़ाम कैसे होंगी, मैं सवालों के जवाब दे सकूंगा नहीं, अच्छे मार्क मिलेंगे नहीं तो फिर मुझे जहाँ चाहिए वहाँ एडमिशन मिलेंगे क्या, अच्छे मार्क नहीं मिलेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, तो आप कहाँ कर रहे हैं, आप फोकस आपका रख रहे हैं सब प्रॉब्लम्स के ऊपर, तो वहाँ का फोकस निकाल डालो। फोकस ऑन योर ड्रीम्स एंड नॉट योर प्रॉब्लम्स। जब आप ड्रीम के ऊपर फोकस करते हो कि मुझे ये पढ़ाई करके मुझे ये बनने का है, मेरा जो गोल है वो है आर्टिस्ट बनने का या एक्टर बनने का या इंजीनियर आर्किटेक्ट डॉक्टर वकील जो भी कुछ होगा या आईएएस ऑफिसर है जो भी कुछ है, तो वो मुझे बनने का है, तो वो फोकस सामने लाओ, उसकी कल्पना करो, उसको विजुअलाइज करो, उसका रोल मॉडल एक लगा दो वहाँ, अपने एक फोटो लगा दो अपने स्टडी टेबल के बाजू में ताकि आपको वो दिखेगा। होता क्या है कि जब आप आपको जो बनना है उसके ऊपर आपका ख्याल रखते हैं और आप उसके बारे में सोचते हैं तो डोपामिन सिक्रीशन अच्छा हो जाता है ब्रेन में, और डोपामिन सिक्रीशन जो होता है तो उससे अच्छा कॉन्सेंट्रेशन होता है, उससे पढ़ाई में इच्छा बहुत होती है, इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाता है, नींद नहीं आती और फिर आपकी पढ़ाई अच्छी होंगी। तो ये पहला है कि फोकस ऑन ड्रीम्स नॉट ऑन प्रॉब्लम्स। दूसरा जो है कि आपको है ना सवाल के साथ साथ जवाब भी पढ़ने के और उसकी स्टडी करनी है। लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, सिर्फ आंसर ही पढ़ेंगे। उसमें होता क्या है कि ये आंसर कौन से सवाल के लिए दिया गया है, यह आंसर कौन से सवाल के लिए प्रैक्टिस में दिया गया है, वो नहीं समझ में आता, और बाद में फिर क्वेश्चन समझो भलते पूछ लिया तो उसका आंसर हमको आएगा नहीं या भलते आंसर दे देंगे। तो हर बार ये आपको देखना है कि आप कौन से आंसर की तैयारी कर रहे हैं और वो कौन सा आंसर कौन से क्वेश्चन के लिए है, नंबर दो। नंबर तीन, आपकी एक्सरसाइज होना बहुत जरूरी है, वो आपको स्ट्रेस फ्री रखेगी। 40 मिनट से लेकर 1 घंटा तक रोज एक्सरसाइज करते हैं, पसीना बहना चाहिए, और एक्सरसाइज में फिंगर मूवमेंट की एक्सरसाइज अच्छी करो, क्योंकि लिखना पड़ता है एग्जाम में, तो फिंगर मूवमेंट फाइन फिंगर मूवमेंट्स उसकी एक्सरसाइज, उसके लिए कुछ स्प्रिंग आती है, फिर स्ट्रेस फ्री बॉल्स आते हैं, तो वो आप उसकी एक्सरसाइज करते हैं तो फिंगर मूवमेंट अच्छे हो जाएंगे और रेगुलर एक्सरसाइज से आप फिट रहेंगे, कोई बीमारी नहीं होंगी। नंबर चार, सेल्फ हिप्नोसिस करो, खुद को सम्मोहन करना है, आत्मसम्मोहन करना है, सुझाव देना है और स्ट्रेस फ्री रहने का, बहुत ही रिलैक्स रखना है। एग्जाम में आप एक तो विजुअलाइज कर रहे कि आप एग्जाम दे रहे हो, आप ये विजुअलाइज कर रहे कि आपको जो बनना है वो आप बन गए हो, आपको एग्जाम आपको सम्मोहन में रखना है कि एग्जाम का जो समय उसमें एकदम मैं रिलैक्स हूँ, आराम से काम कर सकता हूँ, तो ये आत्म सुझाव देना है सेल्फ हिप्नोसिस में। पांचवा, आपको हेल्दी डाइट लेना है एग्जाम के समय, एग्जाम पीरियड्स में मैदा, फिर जंक फूड, पिज्ज़ा बर्गर, ये पानी पूरी रस्ते की खाना, रस्ते पे की और रस्ते पे का कोई भी माल, मतलब जैसा भेल है और कोई मतलब रस्ते पे कोई खाने का नहीं है, पेट बिगड़ सकता है, तबीयत खराब हो सकती है, और ये जो बाकी जो आप जंक फूड खाते हैं उससे भी तबीयत खराब होती है, तो वो नहीं खाना चाहिए एग्ज़ाम के समय 1-2 महीने तक। फिर छठवा जो है वो है आपने क्विक रिविजन करना है। क्या है कि पहली रिवीजन जो है वो 24 घंटे के अंदर होना चाहिए, जो भी आपने पढ़ा है रोज, मतलब आज मैंने अभी 5 बजे पढ़ा हुआ है कुछ, तो मैंने कल 5 बजे के पहले पहले आज जो पढ़ा है उसका रिवीजन मैंने करना चाहिए, तो पहली रिवीजन विद इन 24 आवर्स और दूसरी रिवीजन है वो 7 दिन के पहले करना चाहिए ताकि जो पढ़ा है वो याद रहेगा। क्या है कि आप बहुत पढ़ाई करते हो, लोग बोलते हैं कि मैंने 7 दिन पहले पढ़ा हुआ मुझे एग्जाम में याद नहीं आया, नहीं याद आएगा क्योंकि 90% आप भूल जाते हो जो आप पढ़ते हो उसमें का, तो फिर यदि आप 24 आवर्स में यदि उसकी रिवीजन नहीं किया तो वो भूल जाएंगे, क्योंकि आपने जो भी साल भर किया है वो आपको दुनिया को बताने का है
कि भाई जो मैंने साल भर किया वो बराबर सही किया नहीं किया और इफेक्टिवली किया, तो आपको वो कहाँ दिखेगा? एग्जाम में जो मार्क मिलेंगे वहां दिखेगा। तो क्विक रिवीजन होना जरूरी है ताकि आपको याद अच्छा रहेगा। और सातवां है शेयरिंग करना। शेयरिंग मतलब लोगों को सिखाने का है। जो भी आपको आता है यदि आप लोगों को सिखाएंगे तो क्या होता है, जब आप लोगों को सिखाते हैं तो आपको पूरा जो स्टोर किया है वो याद करना पड़ता है और उसमें अपना पक्का हो जाता है। मैं जिसको सिखा रहा हूं उसको यदि समझ गया, उसको क्लियर हो गया कि मैंने क्या सिखाया और वो बोल रहा है कि हाँ मुझे समझ में आ गया, तो इसका मतलब है कि आपको पक्का याद आ रहा है और आप सिखा सक रहे, मतलब आप उसके ऊपर फ्लैट है। तो आपने शेयरिंग करने का है और शेयरिंग करके फिर अपने आप को पक्का करने का है। तो ये 7 टिप्स यदि आप वापरते हैं तो डेफिनेटली आप एग्जाम में, एग्जाम के पीरियड में स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री, एंगर फ्री ऐसा लाइफ जी सकते हैं और एग्जाम में टॉपर बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।